हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं आया हूँ महिंद्रा के ट्रक एंड बस के स्टॉक यार्ड में। और मेरे पीछे खड़ा हुआ है महिंद्रा का घोड़ा जो कि है महिंद्रा बलेंजो X55। मैंने पहले भी महिंद्रा बलेंजो X55 की वीडियो बनाई थी लेकिन वो 2023 का मॉडल था। अभी मेरे पीछे खड़ा हुआ है 2024 का ब्रांड न्यू महिंद्रा बलेंजो X55 BS6 Switch 2। आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा के इस घोड़े की पूरी डिटेल दूंगा। मैंने मेरे चैनल पर बहुत से घोड़ों की वीडियो बनाई है जैसे कि टाटा का हो गया, आइसर का हो गया, अशोक लैंड का हो गया। अभी मैं आपको महिंद्रा की भी घोड़े की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो कैसे लगते हैं आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। और आप भी इस घोड़े को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जिस शोरूम पर उसकी भी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कोई भी महिंद्रा की गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी को या छोटी गाड़ी को, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है महिंद्रा का बलेंजो X55 जो कि आप सामने देख सकते हैं महिंद्रा का घोड़ा है। आप चाहे तो इसको 6 चक्कों में और 10 चक्कों में भी ले सकते हैं। हमारे सामने ये 10 चक्कों में खड़ा हुआ है और पीछे इसकी DLT मतलब पूरी बॉडी भी लगी हुई है, तो मैं बॉडी की भी इस वीडियो में आपको डिटेल दे देता हूँ, मतलब डिटेल दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये इसकी फ्रंट से लुक, ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है। ओवरऑल आप इसकी साइड की भी लुक को देख लीजिए। अब इसके पीछे पूरा ट्रोला भी लगा हुआ है, आप चाहे तो कंपनी से भी ट्रोला ले सकते हैं। अब इसमें टाटा का DLT ट्रोला लगा हुआ है, टोलेट आप चाहे तो बाहर से भी आप लेने के बाद में लगवा सकते हैं। ये इसकी सामने से लुक महिंद्रा बलेंजो X55 की, ऐसे आपको फ्रंट से लुक मिलती है। सामने से देखने में आपको काफ़ी बड़ा फील होता है और एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है भी। अगर आप देखेंगे तो 55,000 kg इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है महिंद्रा बलेंजो X55 का, इसलिए आपको यहाँ पर मॉडल की ब्रांडिंग दी गई है। ये टाटा के 5530 से 5530.S से, अशोक लैंड के 5525 से, उन सभी से ये कॉम्पीट करता है। मतलब आप कह सकते हैं इसके कंपटीशन में वो वाले घोड़े भी। ये इसकी ओवरऑल ऐसी फ्रंट से लुक वाइट कलर में खड़ा हुआ है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील मिल जाती है और उस विंडशील को क्लीन करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े आपको यहाँ पर वाइपर भी दिए गए हैं। और हाथ से ड्राइवर इसको विंडशील को साफ करना चाहता है तो यहाँ पर हैंडल भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बलेंजो X55 की ब्रांडिंग मिल जाती है और विंडशील थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये बाहर की तरफ गिरे ना कि अंदर की तरफ। ऊपर आपको लाइटें भी मिल जाती है रूफ में, ऊपर आपको बीच में एक वाइड एंगल का मिरर मिलता है जिससे कि ड्राइवर पूरा नीचे का देख सके। यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ग्रे कलर में सामने की जाली मिलती है। और लाइट की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको लाइटें मिलती है हेलोजन बेस, यहाँ पे आपको हेलोजन बेस इसमें लाइटें मिलती है। हेलोजन में आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 3 mm की रेडियम की पूरी पट्टी मिल जाती है। यहाँ पे आपको नीचे बम्पर मिलता है जिससे कि छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी इसके नीचे नहीं जाए। काफ़ी बड़े बड़े आपको आउटसे मिरर मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रेडियम की पूरी पट्टी मिल जाती है, फुट स्टैप मिल जाते हैं। अगर मैं टायर की साइज को दिखाऊं तो 295/90R 20 इंच का आपको टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं हेलोजन बेस और डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। यहाँ पे आपको 50 लीटर का एयर ब्लू का टैंक मिल जाता है और उसी के पीछे आपको 415 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। और 10 चक्कों में हमारे सामने खड़ा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, आप चाहे तो 6 चक्कों में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इसमें आपको 7200cc का महिंद्रा का खुद का इंजन मिलता है 6 सिलेंडर का जो कि आपको पावर देता है 280 HP की। काफ़ी पावरफुल ये महिंद्रा का इंजन है, आसानी से मतलब दबता नहीं है और महिंद्रा का खुद का इंजन है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और सर्विस वगैरह की बात करें तो वो भी आप महिंद्रा को जानते ही हैं, सर्विस भी महिंद्रा की काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे पूरा ये टाटा का DLT इसमें ट्रोला लगा हुआ है यहाँ पे, और दोनों एक्सल इसके वर्किंग के अगर आप देखेंगे तो। अगर मैं नीचे से भी दिखाना चाहूँ तो 20 इंच के पूरे आपको टायर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको इस घोड़े को अंदर से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं रियर से भी इसकी लुक को दिखाऊँगा। यहाँ से आप इसमें चढ़ेंगे, पूरे चढ़ने के लिए प्रॉपर आपको फुट स्टेप मिल जाते हैं। अभी मैं इसके अंदर आ गया हूँ, ऐसे आपको स्टीयरिंग व्हील मिलती है, उसके ऊपर आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है। और मीटर की बात करें तो वही महिंद्रा का मीटर दिया गया है जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होती है, टैकोमीटर, इसरोमीटर, फ्यूल गेज का मीटर, चाहे टेम्परेचर का मीटर हो, सभी आपको यहीं पर शो होंगे। एक एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी, चाहे एयर ब्लू का लेवल हो, गेयर पोजीशन हो, सभी आपको यहीं पर शो होंगे। यहाँ से आप इसके वाइपर चला सकते हैं, इस साइड से आप इसके लाइटों को चला सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल के
हेडलाइट लेवल के आपको स्विच दी गई है, और ये इसके एसी के वेंट, क्योंकि इसमें आपको एसी मिलती है, मतलब ड्राइवर के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा है महिंद्रा ने, इसलिए आपको यहाँ पर एसी मिल जाती है। यहाँ पर कस्टम इसको लेने के बाद में म्यूजिक सिस्टम अपने मन का डलवा सकता है। 1000 लैम्प की स्विच मिल जाती है। यह ओवरऑल फ्रंट का डैशबोर्ड का एरिया, यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं, एसी के वेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े सन वाइजर मिलते हैं, ऊपर आपको एमरजेंसी के एसओएस के बटन वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, रूफ में आपको एक लाइट मिल जाती है, और स्लीपर कैबिन के साथ में आता है तो रियर में पीछे ये पूरा बेड लगा हुआ है, दो लोग आराम से यहाँ पर सो सकते हैं, काफ़ी चौड़ा आपको बेड मिल जाता है। और केबिन की बात करें तो केबिन भी इसमें आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, मैं और भी घोड़ों में बैठा हूँ लेकिन इसका केबिन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ड्राइवर के साइड में को ड्राइवर की सीट दी गई है। और गियर की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको गियर मिलता है, 10 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है, 8 आपको नॉर्मल के, 1 सी का, 1 आपको रिवर्स का गियर मिलता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे पूरे एसी के कंट्रोल मिलते हैं, स्टीयरिंग व्हील को भी ड्राइवर ऐसे एडजस्ट कर सकता है, यहाँ पे लीवर दिया गया है, अभी मेरे हाथ में मोबाइल है लेकिन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको उस साइड से लुक दिखाता हूँ, उसके बाद में इसके इंजन की साउंड को सुनूंगा, कैसे आपको इंजन की साउंड मिलती है। अभी मैं आपको इस साइड से इसकी लुक को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एम पावर की ब्रांडिंग मिलती है, काफी बड़े बड़े आपको आउट से मिरर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दो बैटरियाँ मिल जाती है 12-12 वॉट की, स्पेयर व्हील भी आपको यहीं पर मिलता है। अभी सन ने इसको स्टार्ट कर दिया 7200 सीसी के इसके इंजन को, 6 सिलेंडर का महिंद्रा का इंजन है, इसके इंजन की साउंड को आप सुन सकते हैं। अभी सन ने इसको स्टार्ट कर दिया, इंजन की साउंड को आप सुन सकते हैं, काफी अच्छी आपको इंजन की साउंड मिल जाती है। ऐसे आपको ड्राइवर के लिए सीट मिलती है, काफी कंफर्टेबल, स्लीपर कैबिन के साथ में आता है ये इसका इंजन। माइलेज की बात करें तो 2.25 से 3.25 की इसकी माइलेज है, आता है तो 6 चकों में 10 चकों में ले सकते हैं। ये टाटा का DLT पीछे ट्रोलर लगा हुआ है, 4, 4, 8, 4, 12 चकों का पीछे ट्रोलर लगा हुआ है, टोटल ये 22 चकों का ट्रेलर हो गया, महिंद्रा का ट्रैक्टर ट्रेलर प्लेंजो X55। ऐसे आपको इस ट्रोले की रियर की लुक मिलती है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस साइड से मैं आपको ट्रोले की लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसी लुक मिलती है, 12 चकों का ट्रोला लगा हुआ है, टोटल ये 22 चकों का ट्रेलर हो गया, अगर आप 6 चकों में लेंगे तो वो 18 चकों का हो जाएगा। कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।